देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैंगन फ्राई दही और अंडे में ये बैंगन फ्राई हुए हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े के क्रिस्पी से तैयार हुए हैं। आप भी बनाएंगे, आपके भी बहुत मज़े के बनेंगे। बेसन में तो सभी फ्राई करके खाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप दही और अंडे में फ्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। चाय के साथ बना के पेश करें, मेहमानों को दें, बच्चों को दें, लंच बॉक्स में दें, बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। और ये कैसे बने हैं इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की बैंगन की एक रेसिपी। बैंगन के कबाब भी कह सकते हैं, बैंगन के स्नैक्स भी कहा जाता है। आपने बैंगन फ्राई तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये वाले बैंगन नहीं खाए होंगे, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। चलें जी करते हैं रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो गोल वाले बैंगन ले लें, चाहे लंबे वाले बैंगन ले लें, उसके ऐसे पतले पतले से ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा ठीक हों, ऐसे स्लाइस काट के रख लें। बाकी मैंने काट लिए हैं, एक मैंने कहा मैं आपके सामने काटती हूँ। देखें इनकी स्लाइस की कटिंग हो गई है। अब इसके ऊपर हल्का सा नमक डाल देते हैं, नमक डाल के अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि हर तरफ नमक लग जाए, कोई साइड छूटे ना। सबकी साइडें पलट के हल्का हल्का फिर डाल दें। अच्छे से इसको ना मिला लें, मिक्स कर लें, ऊपर नीचे कर लें इनको, ताकि ना अच्छे से सब जगहों पे ना नमक छिड़का जाए। इसके बाद एक प्लेट दे दें और ढक के इसको एक साइड पे रख दें। चलिए अब इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। आपने अक्सर बैंगन बेसन में फ्राई करके खाए होंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। चलें एक प्यादे से बाउल में इसका बैटर रेडी करते हैं। आपने अक्सर इसका बैटर बेसन से रेडी किया होगा, लेकिन इस दफ़ा हम बेसन से नहीं, अंडे और मैदे से इसका बैटर तैयार करेंगे और ये बहुत मज़े के बनेंगे। इसके लिए ली है मैंने एक कटोरी दही। बिस्मिल्लाह, एक कटोरी दही है। इसके लिए लेके एक अंडा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह अकबर। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें, अंडे को और दही को। अंडे और दही को हम अच्छे से फेंटने के बाद इसमें दो चम्मच, बिस्मिल्लाह, दो चम्मच भर के मैदा ऐड कर दें, दो से ढाई ना, और अच्छे से इसको छान लें। तकरीबन दो चम्मच हो गए हैं, बाकी बाद में छानती हूँ। इसको पहले मिक्स कर लें, इस बैटर को भी अच्छे से आपने मिक्स करना है। इस बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस डालने हैं, थोड़ा सा नमक, ये देखें एक चुटकी के करीब नमक है और एक चुटकी के करीब ही ना सुरख मिर्च है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्च आपकी अपनी च्वाइस है। अच्छे से बैटर मिक्स हो जाए तो इसको भी एक साइड पर रख दें। चलिए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं इनको भी। अब इन्होंने भी देखिए हल्का सा पानी छोड़ दिया और हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया, तो कोई मसला नहीं है। आप इनको ऐसे निकाल के इनको मैदे में डिप करके ना इसको रखते जाएं। ऐसे ही मैं सारे करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। जब इसका बैटर भी रेडी हो जाए और स्लाइस भी रेडी हो जाए, कोटिंग हो जाए एक दफ़ा इसकी मैदे से, तो फिर एक तवा या कोई फ्राई पैन जो भी आपके पास आसानी से है ना वो रख लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बैटर ऐसा हो कि ना थिक हो और ना ही लिक्विड हो, बस अच्छे से इसकी कोटिंग होनी चाहिए। आप एक एक स्लाइस उठाएं, यूँ डिप करते जाएं।
जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके ना, बिस्मिल्लाह। एक एक दो दो मिनट के बाद ना सारी साइडें चेंज करते जाएं, ना आंच तेज़ हो ना हल्की हो, बस नॉर्मल आंच पे ना इनको कुक करना है आपने। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर साइड बड़े अच्छे से सीख गई है। अब एक एक करके ना, बिस्मिल्लाह। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंडे और दही में क्रिस्पी से बैंगन फ्राई किए हैं, तो ये रेसिपी बहुत मज़े की होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, बेसन में तो फ्राई करके सभी खाते हैं, अब आप इसमें फ्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये इतनी सारी वीडियो, ये इतनी सारी रेसिपियाँ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देख कर लाइक कर दिया करें, यह आपकी मोहब्बत होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम YouTube फैमिली को अपनी ईमान में रखे, आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।